बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छे खासे मेकअप ट्यूटोरियल। मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर एनी फेस्टिवल, फॉर एनी इवेंट मेकअप ट्यूटोरियल है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि ये एक मेरा चैलेंज है, क्योंकि इसमें मैं पूरी वीडियो में अपने सारे ब्यूटी हैक्स का मैं यूज़ करूँगी। मैं कोई ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी, मैं कोई और अदर मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ जो मेरे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं मैं उनका यूज़ करके मैं आपको एक अच्छा खासा मेकअप ट्यूटोरियल बताऊँगी फॉर एनी फेस्टिवल, फॉर इवेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ग्लिसरीन लगाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा ऑयली करनी है अपनी स्किन, ताकि आपको जो फेस पाउडर अच्छे से अटैक हो जाए उस पर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा लूँगी, जरा सा लगाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, फिर आपको फेस पाउडर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया। गाइस जब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पूरे फेस पे ग्लिसरीन या एक और क्रीम, आप चाहें तो वैसलीन भी लगा सकते हैं अगर आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप ये वाला हैक बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसे। सो अब इसके बाद यहाँ पे जरूर लगाना है आपको उसको। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो आई होती है यहाँ पे इधर की साइड अंडर आई में, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, ताकि आप जब कोई अगर आप आईलाइनर लगाओगे तो बहुत अच्छे से वो बहुत ज़्यादा लुक अच्छा आएगा उसका, क्योंकि आईलाइनर आप बहुत अच्छे से ना पॉप आउट होगा, यानी एकदम अच्छे से दिखेगा अगर आप ज़्यादा लगाओगे, क्योंकि वो थोड़ी सी स्किन आपकी उधर ग्लो हो जाएगी, इससे आप जब आईलाइनर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है फेस पाउडर। अब इसके बाद आपको ख़राब जाती है, इसलिए हम बहुत ही लाइट मेकअप करेंगे। मैंने सिर्फ फेस पाउडर का यूज़ किया है और अब मैं यहाँ पे हल्का सा लगाऊंगी, ताकि मेरी आई थोड़ी सी हाईलाइट हो। लगा रही हूँ, आप चाहें तो ये वाला भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा शाइनी होगा ये, कि थोड़ा सा पेल कलर का है इसलिए मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ। आई शेडो इसलिए लगा रहे हैं ताकि अपनी हमारी जो आई है वो उसको अच्छे से अट्रैक्टिव लुक दे पाए। तरीके से लगा लिया अपना आई शेडो। अब इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा हाइलाइटर। सो यहाँ मैंने कॉटन, मैंने जब तक मेकअप मैंने कॉटन से करा है, कोई ब्रश का यूज़ नहीं करा है। सो अब यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे न्यूड कलर का टाइप का जो था बहुत ज़्यादा शाइनिंग, इससे हम अपना अपने स्किन को हाईलाइट करने के लिए लगाएंगे। तो मैं आपको बता दी कि आपको कहाँ कहाँ लगाना है। मेन आपको चीक बोन्स पे लगाना होता है, नोज पे लगाना होता है, यहाँ पे लगाना होता है। मेनली फोर प्लेसेस होती हैं आपको जहाँ पे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। आपको सही से चीक बोन पे लगाना है। मैंने पूरे फेस पे नहीं, जहाँ पे हाईलाइटर लगाना होता है मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा लिया है। अगर आपको कभी, क्योंकि अभी मैंने गलती से ज़्यादा लगा लिया था हाईलाइटर, अगर आप कभी 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 हाईलाइटर बहुत ज़्यादा हो जाए, या आपको कभी भी जो हम जो आई शेडो लगाते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, तो आप एक काम कीजिए, आप उसके ऊपर जस्ट आप फेस पाउडर लगा लीजिए, जिससे क्या होगा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हैवी हो गया था मेरा हाईलाइटर, तो मैंने यहाँ पे फेस पाउडर लगा दिया तो हल्का सा कम हो गया वो। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अगर आपको हल्का सा वो चाहिए एकदम इवन टोन हो जाए एक तरीके से, यानी इवन मेकअप हो जाए आपका, तो आप थोड़ा सा फेस पाउडर लगा सकते हैं। हमारे लिप्स को नरिश करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ी वैसलीन। लिप ग्लॉस मैं कोई लिपस्टिक का यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक सिंपल सी लिप ग्लॉस लगाऊंगी जो थोड़ा सा मुझे टिंट दे देगी पिंक कलर का, इसलिए हल्का सा लगाऊंगी मैं, तो ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी होने पे बहुत बुरा लगता है। तो आपको हल्का सा लगाना है बीच में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगाना चाहते हैं पर ज़्यादा हैवी नहीं लगाना चाहते, बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस पर एक नई वीडियो बनाऊं मैं, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसके लिए नई वीडियो बनाऊं, कि अगर आपको अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगानी है पर आपको हैवी नहीं लगानी है, और किस तरीके से लगानी, किस टाइप से टिप्स एंड ट्रिक्स होगी, तो अगर आप चाहते हैं उसकी मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आपके अपने दोनों आईज का आई लाइनर लगा लिया है, मैंने आई लाइनर दिखाया नहीं है क्योंकि मुझे आता नहीं था लगाना, मैंने अपनी मम्मी से लगाया था इसलिए, तो उसने मैंने आई लाइनर लगा लिया है, मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। बाद हमारे फुल मेकअप हो चुका है, बस आप जो मैंने अपने हैक्स यूज़ बताया करे थे अपनी पुरानी वाली वीडियो में, उसी हैक्स का मैं यूज़ करते थे। एक और हैक्स था उसमें कि इस तरीके से अगर आपके पास एक मेहंदी वाला ब्रश है तो उस पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, उससे पहले एक आई लाइनर लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपने आई लैशेज़ को और अच्छे से अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हो तो।
जैसे कि मैंने अपने आई लैशेज पे जो है मैंने अच्छे से क्या कर लिया है, लाइनर लगा लिया है, इस तरीके से मैंने हैक को यूज़ करते हुए तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगी, अब ये मेरा फुल मेकअप हो चुका है, अब मैं आपको हेयर स्टाइल करना बताऊँगी। सो लेट्स मूव टू हेयर स्टाइल। सो गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर स्टाइल आपको किस तरीके से बनाना है, किसी फेस्टिवल इवेंट के लिए बहुत खुले बालों में आपको बनाना है और आपको बहुत अच्छा आपने वॉल्यूम बाल करने हैं, किस तरीके से करना है तो मैं आपको सारा हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे खास तरीके से मिड पार्टी में बनाना है, फर्स्ट वेव को पकड़ना है, इस तरीके से फर्स्ट वेव को आपको पकड़ना है और इसकी अच्छी खासी ब्रेड बनानी है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने पूरी फुल ब्रेड बना ली है इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ पे आपको चाहे तो आप रबर बैंड्स भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं क्लिप से कर लूँगी इसको, ब्लॉक टाइटली करना है आपको और इस तरीके से आपको ब्लॉक कर देना है इसे। तो मैंने यहाँ पे दोनों ब्रेड बना ली है इस तरीके से, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे अपनी इस ब्रेड को पीछे ले जाना है। सबसे पहले मैं इसको अभी एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ। और यहाँ से आपको एक लूप टाइप का बनाना है, यहाँ से आपको हल्का सा करना है इसको फोल्ड कर सकते हो, आपको स्ट्रेच करना है, और यहाँ से आपको एक छोटी पतली सी बाल की लड़ी देनी है। उसको इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है इस तरीके से, और आपको बीच बीच में इसको काट ही लेना है ताकि सुरस्त रहे आपके पास। तो थोड़ा सा आपको लुक हल्का सा बड़ा बनाना है ताकि आपके जो बाल हैं अच्छे से आ जाए। अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बालों की ब्रेड बनानी है और उसके लूप के अंदर आपको अपनी सारी जितनी ब्रेड है वो इस तरीके से डालनी है ताकि एक वाटरफॉल का एक हेयर स्टाइल अच्छे से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हेयर स्टाइल लग रहा है इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से यहाँ का तो मैंने बना लिया, मैं इस तरीके का भी बना लूँगी, इस तरीके से मैंने अपना मेकअप कर रखा और ये मेरा हेयर स्टाइल इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कोई इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आपको कोई और अलग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उस पर कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को देख के चले मत जाया करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ कीजिए करें। थैंक्स फॉर